जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, नाम में सॉफ्टवेयर जरूर लगा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है। पहले कभी बनाती थी, आईटी से बिलोंग करती थी, लेकिन अभी इन दिनों इस कंपनी का जो काम धाम है वो एक एनबीएफसी कंपनी है। लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी कंपनियों का काम ही ऐसा होता है कि लोन्स देना और फाइनेंस के संबंधित क्षेत्रों में जो भी काम आते हैं, लगभग सभी काम ये कंपनी करती हुई आपको दिख जाएगी। साथ में कंपनी ट्रेडिंग भी करती है शेयर्स में, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर की कंपनी है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो कंपनी करेगी ही करेगी। तो ओवरऑल बात यह है कि काम के बिहाफ पे जब हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगी। क्योंकि देखिए, फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो जिसकी जरूरत हर समय रहेगी, हमेशा इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी ही रहेगी। तो काम के बेसिस पे कंपनी का यदि आपके पास होल्डिंग्स लेके रखे हैं तो आपके आपने कुछ गलत नहीं किया है। अब समझिए, जब हम इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी के पास तकरीबन 185 करोड़ के आसपास, मतलब इस वैल्यूएशन की कंपनी है। और मैं क्या कहता हूँ आपसे कि कोई यदि पेनी स्टॉक है, यदि 100 करोड़ से ऊपर उस कंपनी का वैल्यूएशन है तो कंपनी सेफ जोन में आ जाती है, यानी कि उसमें इतनी इजिली मैनिपुलेशन नहीं होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इजिली इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, एक सेफ जोन में कंपनी आ गई। और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ तो लगभग 200 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। ये अलग बात है कि कंपनी का पीई अभी काफी महंगा है, 108 के आसपास है। सामान्यतः पीई डबल डिजिट में 20 के आसपास होना चाहिए, 20-25 तक भी है तो ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे 108 है, काफी महंगा पीई है। तो क्या इस लेवल पे किसी नया व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अभी इसमें बाई करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो और चार्ट देख के लेवल निकालते हो और वहां पे लेवल निकालने के बाद किसी कंपनी के शेयर प्राइस को आप बाई करते हैं, तब आपके लिए पीई मायने नहीं रखता। लेकिन यदि आप सिर्फ पीई देख के बाई करते हैं, किसी भी लेवल पर बाई कर लेते कंपनी के शेयर के प्राइस को, तो तब दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यह भी, और आरओसी भी देखेंगे तो माइनस नहीं है, ठीक ठाक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर ठीक ठाक रिटर्न कंपनी साल भर में निकाल कर दे सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, एक साल के चार्ट पे देखिए, मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, आपको दिखेगा कि अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि कंपनी का शेयर प्राइस कह सकते हैं कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आने के बाद कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, यदि अप ट्रेंड में होता तो और ज्यादा बेहतर होता। खैर, दिक्कत यहाँ पे नहीं है, समझने वाली बात यह है कि पहले जो इस स्टॉक के प्राइस के लिए कंसोलिडेशन रेंज ये लेवल था, देख सकते हैं आप, 2 रुपए से लेकर सकते हैं कि 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का, अब अभी इससे एक स्टेप नीचे आके स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो होता क्या है कि सामान्यतः यदि हायर हाई में जाके कंसोलिडेट करते हुए रहता है तो स्पष्ट दिखता है कि प्राइस ऊपर की तरफ इसका जा रहा है, इसका जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या है कि इसका जो मोमेंटम है अभी नीचे की तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि यदि इस रेंज बाउंड से स्टॉक बाहर निकलता है तो प्राइस इसका नीचे की तरफ आएगा, ऐसा नहीं है, प्राइस जाएगा ऊपर ही। हाँ, लेकिन अब इस रेंज को ब्रेक करने में थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि अभी पहले इस रेंज में आएगा और यहाँ पे क्या होगा कि आने के बाद, चूंकि यहाँ पहले से कंसोलिडेशन रेंज में था तो हो सकता है कि इस रेंज से बाहर निकले तो यहाँ पे आए तो फिर इसमें भी स्टॉक का प्राइस जाके आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखने लगेगा, और यहाँ पर भी समय बीतागा तब प्राइस ऊपर निकलेगा तो फिर इस रेंज को ब्रेक करेगा, और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद लगभग इसके डबल जाएगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा समय लग सकता है। हालांकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर का नंबर आएगा, क्वार्टर 1 का, और क्वार्टर 1 के नंबर यदि ठीक ठाक आते हैं, जैसे क्वार्टर 4 में मैं दिखाऊंगा आपको क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ था क्वार्टर 4 में, तो इस वजह से स्टॉक का प्राइस इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया, लगभग इसी रेंज में आ गया। अप्रैल में देखेंगे तो क्वार्टर 4 का नंबर अच्छे नहीं आते, तो यदि क्वार्टर 1 के नंबर अच्छे आते हैं तो इस रेंज बाउंड से इसको बाहर निकलने की कह सकते हैं कि एक प्रकार से मजबूती मिलेगी और तेजी से इसको ब्रेक करके स्टॉक का प्राइस जल्दी ऊपर निकल जाएगा। एकदम टॉप पर भी बाई करके बैठे हुए हैं तो आपको इस रेंज से बाहर निकलने के लिए कंपनी के शेयर प्राइस को वेट करना चाहिए। यदि नीचे जाता है तब आपके पास हैवी क्वांटिटी है तो आधा सेल कर दीजिएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकता है, लंबा वेट करना पड़ सकता है, और यदि रिस्क का पैसा इसमें नहीं लगा है तब आप वेट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर समय दर समय अच्छे आ ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्स जो हुआ था कंपनी का 4 मार्च क्वार्टर पीरियड में थोड़ा सा पिछले क्वार्टर मुकाबले कम हुआ था, बाकी ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो यहाँ यहाँ से देखें तो ठीक ठाक सेल्स हो रहा है। सेल्स नहीं हो रहा, सिर्फ कंपनी का यदि हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी, जैसे मैंने बताया कि मार्च क्वार्टर में कंपनी का चूंकि सेल्स कम हुआ था तो प्रॉफिट भी कम हुआ था, प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, कंपनी लॉस में चली गई थी, ओवरऑल प्रॉफिट अब ठीक ठाक होने लगा था। तो जो क्वार्टर 1 के नंबर आने वाले हैं उसमें ये मायने रखता है कंपनी का जो इस बार जो सेल्स और जो प्रॉफिट होने वाला है वो कैसा रह रहा है,
और अगर ये ठीक रहा तो निश्चित कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी और आपको इसमें मजबूती मिलते हुए इस स्टॉक के प्राइस को आपको दिखेगा। आप देखेंगे कि कंपनी के पास यदि हम डेप्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। प्लस जो कैश पैसा होता है कंपनी के पास वो इसका रिजर्व बढ़ते जा रहा है, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है। एकाध क्वार्टर के रिजल्ट से घबराना नहीं है, ओवरऑल देखना चाहिए। तो ओवरऑल आपको कंपनियों का इस कंपनी का फंडामेंटल आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, और चूंकि ये फाइनेंस का सेक्टर की कंपनी है तो इसमें मतलब फंडामेंटल इसका मजबूत होना चाहिए भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कंपनी के पास जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी तकरीबन 3.5% के आसपास है, जो कि ठीक है। सामान्यता पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत प्रमोटर्स हैं और इसमें पब्लिक हिस्सेदारी तो मेजर है ही। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कमाल की कंपनी है, काफी मतलब चर्चित कंपनी है ये पेनी स्टॉक की दुनिया में। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप बने रहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।